हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग सी चीज़ आज बनाता हूं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं एग फ्राइड राइस बनाता हूं कुछ डिफरेंट तरीके से, जिसे देख के आपको भी मज़ा आए, आपको खाने में भी मज़ा आए, और सच में बहुत डिफरेंट है यार, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल खा के। एक नंबर रेसिपी है बिल्कुल, मैं एक बार पहले ट्राई कर चुका हूँ, आज फिर से आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें किचन में चलेंगे। जाने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हाई प्रोटीन मील है, आराम से आप इसको खा सकते हो, बल्किंग के टाइम पे भी कटिंग के टाइम पे भी कोई इशू नहीं है। चावल और अंडे हैं और फाइबर के लिए सब्जियां हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल। तो अब चलते हैं किचन के अंदर। किचन के अंदर जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए किचन में चलते हैं। आ गए हम किचन में, ये आ गया हमारा चॉपिंग बोर्ड। तो सब्जी काटना ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। सबसे पहले हम काटेंगे गाजर, इसके लिए जो हम बना रहे हैं उसके लिए गाजर सबसे ज़्यादा चाहिए होगी। तो मैं इतनी गाजर लेने वाला हूँ, ये हम कट कर लेते हैं इसको, ऐसे कट कर लेंगे पहले, या बहुत हार्ड हो रही है ये, ऐसे कट कर लेते हैं इसको। और जो हम बनाने वाले हैं ना, इसको फुल ऑफ फाइबर एंड वेजिटेबल्स रखेंगे। तो एक्चुअली मैं जो बनाने वाला हूँ वो हमारे एग फ्राइड राइस होने वाले हैं कुछ डिफरेंट वे में। कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आए। हाई ऑफ प्रोटीन है इसमें, कार्ब्स भी हैं, फाइबर भी है, सब कुछ है। तो आप अगर एज आ फिटनेस के लिए देखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया है, और अगर आप चाहते हैं कि आप फिटनेस के लिहाज से ना इसको देखें तो आप इसको नॉर्मल खाने की एक उससे भी देख सकते हैं। पुराने चावल रखे हुए हैं आपके, सुबह के चावल शाम के चावल, तो आप फ्राई करके उनको इस तरीके से भी खा सकते हैं। फटाफट से मैं इसको काट देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फटाफट से इसको भी कट कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी ना उतना आपको मज़ा आने वाला है इसको खाने में। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमारा टमाटर पिलपिल आ सा था तो इसलिए थोड़ा घुमा घुमा हो गया। देखिए ये आ गया हमारा टमाटर, ज़्यादा नहीं काटूंगा, टमाटर कम ही लूँगा मैं। अब आ जाते हैं हम, काट लेते हैं अपनी प्याज, इसको प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो ये हम कट कर लेते हैं प्याज को, इसको इसको भी हम बारीक बारीक ही काटेंगे, पहले ऐसे काट लेते हैं फिर वैसे काट लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया हमारा प्याज भी कट गया है, ये दूसरी प्याज कर देते हैं साइड में। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आने वाला है कट करने के लिए, वो हमारा आने वाला है शिमला मिर्च। अब इस शिमला मिर्च को हम काट लेते हैं, फुल ऑफ फाइबर रखने वाले हैं भाई, मज़ा ही आ जाएगा कसम से बता रहा हूँ खाने में मज़ा। लेट्स स्टार्ट। इसको भी हम छोटी छोटी काट लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं काटेंगे इसको भी। हमारी माँ आराम से टीवी देख रही है, गाने सुन रही है, ओ हो आहा, ओ हो। तो ये हमारा कट चुका है सारा सामान, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब अपना पैन रखते हैं गैस पे और शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमने गैस कर दिया स्टार्ट, अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं अपना देसी घी। देसी घी हमारा आने वाला है, तो ये आ गया हमारा देसी घी। बस अब इसको हम फैला लेते हैं अच्छे तरीके से इसके अंदर, देसी घी नू पूरा फैला देसी, उसके बाद आगे यदि कार्रवाई कर देसी। तो ये गर्म होने ही लगा है लगभग लगभग, इसके अंदर अब हम ये पूरा पिघल जाए बस, फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डालेंगे। तो ये देखिए, वाह हो गया है। तो हम इसके अंदर अब डालेंगे वेजिटेबल्स, बहुत इजीली हम अपने वेजिटेबल्स को, ये आ गया हमारा शिमला मिर्च, ये आ गया हमारे गाजर, दिस इज हमारा अनियन एंड दिस इज हमारा टोमेटो। हमने सारा सामान इसके अंदर डाल दिया है, आप हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक चलाने के लिए गमछा चाहिए। तो इसको थोड़ा सा चला लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए यार कितना कलरफुल लग रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, रूम से लग रहा है बिल्कुल। रूम से इसको थोड़ा सा 2 मिनट सॉटे होने देते हैं अभी। थोड़ा सा सॉटे होने देते हैं, इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल देते हैं, और जो जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो भी मैं अभी तुरंत ही डाल देता हूँ, ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। जितने मेरे चावल हैं उसके हिसाब से मैं नमक डाल देता हूँ, जो मैं चावल वगैरह एग वगैरह सब कुछ यूज़ करने वाला हूँ उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर ये नमक भी डाल दिया है।
अब हम सारे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। पहले गैस हमने कर दी एकदम। अभी हमारा आ गया है लाल मिर्च का पाउडर। पाउडर, ये लाल मिर्च का पाउडर हमारा आ गया। ऐड करने के बाद, पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना शेजवान, चिंग्स शेजवान मसाला इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ। बहुत सरप्राइजिंग सामान इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ भाई। पहले शेजवान मसाला डाल देता हूँ चिंग्स का। ये आ गया हमारा चिंग्स का मसाला। इसके बाद थोड़ी सी चिंग्स की चिली सॉस भी डाल देते हैं इसके अंदर। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी ही डालेंगे। ये रही हमारी नेलॉन की शेजवान, तो थोड़ा सा ही शेजवान डालेंगे। देखिए हमारा ये आ गया हमारा शेजवान। इसके अंदर मैं मिक्स कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। यार ये इसकी खुशबू जो है ना, कसम से बहुत मस्त खुशबू आ रही है। अभी इसके अंदर और भी सामान ऐड होने वाला है, आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। आपको सोया सॉस तो इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कलर अपने आप ही इतना खतरनाक देगा ये निकाल के। ओम फोम। अब गैस कर देते हैं थोड़ा सा तेज़। अब इसके अंदर हम अपने मेन दो इंग्रेडिएंट्स और डालने वाले हैं। ये होने वाले हैं हमारे एग। ये पहला एग आ गया और ये आ गया हमारा सेकेंड एग। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बिल्कुल खुशबू कसम से। अगर आप लोग यहाँ होते तो आपको दिखाता, सुनाता, मतलब सब दिखाता क्या। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जबकि मेरी नाक खराब है तब भी मुझे लग रहा है महसूस हो रही है खुशबू। खाई जाएगी इसमें, बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी काफ़ी। और देखिए दो अंडों में कितना भरा भरा सा हो गया यार ये, काफ़ी ना, बिल्कुल एकदम मस्त होने वाला है। थोड़ा सा इसको ऐसे पका लेते हैं हल्का सा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद पकने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहता है इसका। 2 मिनट के लिए थोड़ा तेज़ फ्लेम पे इसको ऐसे पकने देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हो चुका है बिल्कुल मस्त एकदम। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं अपने राइस। तो ये हमने कुक किए हुए राइस रखे हुए थे, ये इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये आ गए हमारे राइस। चावल जैसा अभी मैंने बनाए थे, बट एक्चुअली यार ये ना अभी बनाने के बाद मैंने 15-20 मिनट ऐसे खुले में रख दिए, तो हल्का सा इसके ढेले बन गए। बट मैं इसको सही से मिक्स करता हूँ, मिक्स करके फिर आप। गाइस ये देखिए हमारे हो गए हैं फ्राई चावल अच्छे से। 2 मिनट के लिए बस और इसको मैं पका रहा हूँ अच्छे तरीके से। हम ना इसके अंदर सोया सॉस डाल रहे हैं ना कुछ डाल रहे हैं, ऐसे ही इसको रखेंगे। हल्का सा इसके अंदर मैं नींबू डाल देता हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, अच्छा बढ़िया लगेगा वो भी। तो नींबू अपना कर लेते हैं कट। ये हो गया हमारा नींबू, इसके निकाल लेते हैं बीज। तो चलिए नींबू डाल देते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। गल गया है हमारा नींबू। अब इसको कर लेते हैं एक बार मिक्स, गैस लो करके थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हो गए हैं ये प्रिपेयर बिल्कुल। मैं गैस कर दे रहा हूँ बंद, ये मैंने गैस कर दी बंद। और मैं इसको कर लेता हूँ सर्व। सर्व करके फिर आपको सीधा इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं ये। तो ये रहे गाइस देखिए हमारे एग फ्राइड राइस, जो कि मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। तो लेट्स ईट इट। आप इसको किसी सॉस चटनी किसी के साथ भी ले सकते हो। मेरे को तो भाई सॉस चटनी कुछ पसंद नहीं है, ग्रीन चटनी होती तो खा लेता, वो मैंने बनाई नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं खाना। मेरे हिसाब से सारी चीज़ परफेक्टली कुक्ड है, बट देखिए मैं बिल्कुल जेन्युइन आपको बताता हूँ। तो जो उसकी गाजर है ना, वो पूरी तरीके से कुक नहीं है, जो कि थोड़ा कच्चा कच्चा करने में मज़ा आ रहा है खाने में। बाकी ओवरऑल पूरा बड़े तरीके से कुक्ड है। और आप चाहें तो इसके अंदर शेजवान मसाला भी डाल सकते हैं। शेजवान मसाला ही मैंने डाला है इसके अंदर, जो कि भाई सच में उसका कुछ अलग सा ही फ्लेवर आ रहा है। कैमरा मैन जल्दी से फेंको। अब मैं इसे साथ में पी लेता हूँ इसके थोड़ी नक्शेबाजी के लिए।
ओ कट करो। चल तो इसको एक चम्मच और खाते हैं, मैं इसे खत्म करता हूँ फटाफट से, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, फॉर्मेलिटी बहुत हो गया। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भूत वाले चैनल भी जाकर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगेगी उसकी तो वहां पे भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉट पीस जी।